ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ सम क्रूड ड्रग। आज हमें देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है बहुत सारी क्रूड ड्रग्स का, जैसे कि अलग अलग दिए हुए हैं इसमें ड्रग्स। सो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 9th है, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए टॉपिक को शुरू कर। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है टीएस ऑफ सिन्ना लीफलेट। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, देखिए टीएस निकालना अगर आपको लेबोरेटरी स्किल्स पे सिखाते हैं कि किसी भी लीफलेट का, किसी भी लीव का टीएस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलग अलग मेथड्स होती है। एक पार्ट लिया जाता है लीफ का, फिर उसे पटेटो के साथ कंबाइन करके रखा जाता है कुछ टाइम के लिए। फिर बहुत सारे सोलवेंट्स होते हैं, रिएजेंट होते हैं, जिनके साथ उन्हें क्या किया जाता है, हाँ, उनके साथ रिएक्शन करवा के, उनके साथ अटैच करके रखा जाता है। और फिर क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन चेक किया जाता है किसका, लीफलेट का, राइट। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि एनाटॉमिकल, ग्रोस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखनी है किसी भी क्रूड ड्रग की, जो कि किसके थ्रू, आप ऐसे तो अपनी जो नेक्ड आई है इनसे तो नहीं देख पाएंगे, सो किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है सिन्ना लीफलेट। मतलब इस कहने का मतलब यह है कि सिन्ना के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और वो किस टाइप का ओवरव्यू होता है, राइट। तो ये किस तरीके से देखे, अगर जब सिन्ना की जो लीफ होती है, जब उसका ट्रांसवर सेक्शन करके उसे चेक किया जाता है, देखा जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले फाइबर ग्रुप, फाइबर के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इधर अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब स्किन की लेयर, स्किन। ये वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल है। ये जाइलम प्रेजेंट है यहाँ पे फाइबर ग्रुप के बीच में। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, जाइलम, फाइबर ग्रुप। देन एक फाइबर का जो ग्रुप है, ग्रुप्स ऑफ फाइबर ऊपर की तरफ अटैच है। जैसे कि ये सोच लीजिए साइनोवल जॉइंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसी प्रकार से इसमें जो सिन्ना की लीफलेट होती है वो ही जॉइंट के तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे नाम दिया है फाइबर ग्रुप का, बीच में जाइलम प्रेजेंट है, वहां पे साइनोवल फ्लूड प्रेजेंट रहता है। देन इसके बाद कैल्शियम, देखिए कैल्शियम का ही बना हुआ है, राइट। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट के ये क्रिस्टल्स हैं, देखिए जो क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोलन काइमा, ये जो पार्ट है इसे नाम दिया हुआ है कोलन काइमा। ट्राइकोम, दिस इज ट्राइकोम। लोअर पैलिशेड, ये लोअर पैलिशेड है, ये अपर पैलिशेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिन्ना लीफलेट का अगर आप ट्रांसवर सेक्शन करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। उसके बाद सेकेंड वन इज ट्रांसवर सेक्शन ऑफ धतूरा। अब धतूरा का टीएस किस तरीके से ओवरव्यू होता है धतूरा का, देखिए सबसे पहले कवरिंग ट्राइकोम, ये जो है ये कवरिंग ट्राइकोम है जिसने कवर दिया हुआ है पूरे धतूरे के इस पार्ट को। फिर उसके कोलन काइमा, जो कवरिंग ट्राइकोम के नीचे वाली लेयर है वो क्या कहलाती है, कोलन काइमा। उसके बाद स्फेराइड, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्फेराइड। देन उसके बाद स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दीज आर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। फाइलम, ये जो यहाँ पे आपको मिडिल में दिखाई दे रही है फाइलम है ब्लैक कलर के। जाइलम, जो व्हाइट कलर के जाइलम है। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं पे ये इस टाइप से डॉट, ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं, राइट। इधर आपको देखिए माइक्रोस्फेंडियल कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स हैं। स्टोमा लोवर एपिडर्मिस, ये क्या है, लोवर एपिडर्मिस है। लोवर एपिडर्मिस का मतलब स्किन की लेयर है, कौन सी, नीचे वाली। ओके, तो ट्रांसवर सेक्शन धतूरा। उसके बाद ट्रांसवर सेक्शन ऑफ सिन्नामोन बार्क। अब सिन्नामोन, सिन्नामोन बार्क का ट्रांसवर सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले पेरिसाइक्लिक फाइबर, ये जो इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये क्या है, पेरिसाइक्लिक फाइबर। इसके बाद स्क्रेलाइट्स, स्क्रेलोइड्स है। देन उसके बाद कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये जो दिखाई दे रहा है आपको डॉट डॉट स्मॉल स्मॉल, ये है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स। उसके बाद मेडुलरी रेज, दीज आर नोन एज मेडुलरी रेज। फाइलम फाइबर्स, ये क्या है, फाइलम फाइबर। म्यूसिलेज सेल, इस टाइप का ओवरव्यू है म्यूसिलेज सेल का। ऑयल सेल, दीज आर कॉल्ड ऑयल सेल्स, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
ये राउंड शेप की जो आपको मिलेंगी ये कहलाती हैं ओएसए सेल्स। ओके, उस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सिंकोना बार्क, अब देख लेते हैं सिंकोना बार्क का ट्रांसवर्स सेक्शन। देखिए ये क्या है, सबसे ऊपर कोर्क, फिर उसके बाद फेलोजन, फेलोडर्म, और देखिए ये जो इतना पार्ट दिया हुआ है इसे नाम दिया हुआ है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स नाम दिया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट जैसे कि कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, कैविटीज सीक्रेशन कैनल्स होते हैं, स्क्रेलोइड्स आर एब्सेंट। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे जो इसके अपर में कॉर्टेक्स के नीचे दिया हुआ है ये है सेकेंडरी फैलम। उसके बाद शीव ट्यूब्स, ये दिखाई दे रहा है आपको शीव, शीव की स्ट्रक्चर की जैसे छन्नी जो होती है उसके जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये शीव ट्यूब्स। देन ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये राउंड शेप में, और उसके अंदर ये अदर एक और सर्कल है ब्लैक कलर का, ये है फाइबर्स। फैलम पैरेन्काइमा, दीज आर कॉल्ड फैलम पैरेन्काइमा। मेड्यूलरी रेज, फिर जो ये आपको दिखाई दे रही है मीन्स थोड़ी सी लार्ज है स्टिक जैसी, जो ये शेप की शेप आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है मेड्यूलरी रेज। जहां भी देखिए कुछ क्या होता है, देखिए टीएस देख रहे हैं किसी भी चीज का, तो उसमें स्ट्रक्चर के बेस पे आप याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर ज्यादातर क्या कहलाएगी, मेड्यूलरी रेज ही कहलाएगी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर फाइबर ही कहलाएंगे, राइट। जो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी छन्नी जैसी वो शीव ट्यूब्स ही कहलाएंगे। तो इन सारी चीजों से सबका ट्रांसवर्स सेक्शन करना आपको इजी हो जाएगा अगर आपको स्ट्रक्चर पता। देन टीएस ऑफ फैनल, अब फैनल का टीएस देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फैनल। इसमें देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है फैनल की। फर्स्ट वन इज यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी रिज, देन उसके बाद एपिकार्प, मेसोकार्प। ये एपिकार्प स्ट्रक्चर जो आपको ये राउंड शेप में दिखाई दे रही है एपिकार्प, देन उसके बाद ये ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहे हैं मेसोकार्प, ये है वित्ता, ये राउंड शेप में जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रैफी, ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद कार्फोन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे फैनल के ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे दिया हुआ है, ये है कार्फोन। देन उसके बाद एंडोस्पर्म, ये जो अंदर प्रेजेंट होता है ये होता है एंडोस्पर्म। टेस्टा, दीज आर कॉल्ड टेस्टा। एंडोकार्प, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है एंडोकार्प। रेटिकुलेट पैरेन्काइमा, ये जो आपको यहाँ पे इस टाइप से ये दिखाई दे रहा है पूरा फिलअप हुआ हुआ, ये है रेटिकुलेट पैरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, ब्लैक कलर के जो साइन दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है फैनल का, फैनल की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। उसके बाद टीएस ऑफ क्लोव, अब क्लोव का टीएस देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्लोव। तो फर्स्ट वन, पहले तो ये देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है क्लोव की। ये यहाँ पे देखिए क्यूटिकल एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल एपिडर्मिस है मीन्स स्किन की लेयर है। उसके बाद ऑयल ग्लैंड, ये कहलाते हैं ऑयल ग्लैंड। लास्ट एक स्ट्रक्चर में भी आपने देखा था यहाँ राउंड शेप के जो थे वो क्या कहला रहे थे, ऑयल ग्लैंड। ये है स्फेराइड। उसके बाद वेस्कुलर बंडल, दीज आर कॉल्ड वेस्कुलर बंडल। पैरेन्काइमा, दीज आर पैरेन्काइमा। एरेन्काइमा, ये जो यहाँ पे आपको लेयर दिखाई दे रही है पूरी एक मेम्ब्रेन है, ये है एरेन्काइमा। देन यहाँ पे कोल्यूमेनेला, ये क्या कहलाता है, कोल्यूमेनेला कहलाते हैं, राइट। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है क्लोव का। उस टीएस ऑफ जिंजर, अब जिंजर का टीएस देख ले, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ जिंजर। जिंजर में देखिए दो चीजों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, ठीक है, इसमें देखिए ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये कॉर्क, ये ओलियोरेजिन सेल्स, ये कहलाती है ओलियोरेजिन सेल। एंडोडर्मिस रिंग ऑफ स्मॉल वस्कुलर बंडल्स, ये एंडो डर्मेस रिंग है, किसकी बनी हुई है, वैस्कुलर बंडल्स है ये, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल सिंगल, और ये वैस्कुलर बंडल है और ये रिंग फॉर्म में वैस्कुलर बंडल है। स्टैल, यहाँ पे क्या है, ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है स्टैल, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो पार्ट का नाम है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। देन आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, आउटर कॉर्क, दीज आर कॉल्ड आउटर कॉर्क। देखिए ये यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और ये पूरा जिंजर का स्ट्रक्चर है। आउटर कॉर्क, इनर कॉर्क, कॉर्टेक्स, स्टार्च, फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स, दीज आर फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स, फाइबर्स, ये फाइबर्स हैं, ओलियोरेजिन्स,
एंडोडर्मिस, जाइलम वेसल्स, दीज आर कॉल्ड जाइलम वेसल्स, और ये ग्राउंड टिश्यू, ये क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यूज, राइट। उसके बाद टीएस ऑफ नक्स वोमिका सीड, अब देखते हैं टीएस किसका, नक्स वोमिका सीड का, राइट। इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ है लीगेंड ट्राइकोम्स, ये क्या कहलाते हैं, लीगेंड ट्राइकोम्स। एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल है। कोलैप्सिड पैरेन्काइमा, दीज आर कॉल्ड कोलैप्सिड पैरेन्काइमा। एंडोस्पर्म्स, ये क्या है, एंडोस्पर्म्स है। प्लाज्मोडेज्मा, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मोडेज्मा। एल्यूरोन ग्रेन, ये क्या कहलाते हैं, एल्यूरोन ग्रेन्स हैं, और ये ऑयल ग्लोब्यूल्स, दीज आर कॉल्ड ऑयल ग्लोब्यूल्स। टीएस ऑफ इपिक्वानहा, अब इपिक्वानहा क्या, टीएस देख लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इपिक्वानहा। इसमें सबसे ऊपर जो ये पार्ट दिया हुआ है कॉर्क, उसके बाद फैलोडर्म, दीज आर कॉल्ड फैलोडर्म। ये क्या है, कॉर्टेक्स। स्टार्च ग्रेन, ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहे हैं ये है स्टार्च ग्रेन। कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, दीज आर कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स। फाइलम, ये क्या है, फाइलम। कैम्बियम, दीज आर कॉल्ड कैम्बियम। जाइलम, और ये इतना पार्ट यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट होता है कहलाता है जाइलम। मेडुलरी रेज, दीज जो आपको दिखाई दे रही हैं ये जो लॉन्ग टर्म्स में होती है ये क्या कहलाती है, मेडुलरी रेज।